दोस्तों, मुगलों की असलियत आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। मुगलों के बारे में आपने इतिहास की किताब में बहुत कुछ पढ़ा होगा और आजकल सोशल मीडिया पर भी मुगलों के बारे में कई जानकारियां आ रही हैं, लेकिन वो सब सच नहीं है। औरंगजेब की बात ली जाए तो कोई उसे महान शासक बताता है तो कोई हत्यारा। यहाँ तक कि अकबर के बारे में कहा जाता है कि बूढ़ा होने के बाद उसने इस्लाम छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया था। सच्चाई नंबर एक, मुगल काल में राजा की सैकड़ों रानियां होती थी। जी हाँ दोस्तों, मुगल शासकों में इस्लाम के चलते कई बीवियां रखने को अपराध नहीं माना जाता था। एक राजा की सैकड़ों बीवियां होती थी जो उसके साथ ही महल में रहती थी। रानियों की सेवा के लिए दासों का इंतजाम होता था। राजा भी हर दिन अलग अलग बीवी के साथ रहना पसंद करता था। सच्चाई नंबर दो, नशेड़ी था हुमायूं। मुगल शासक बाबर के बेटे हुमायूं को अफीम और शराब की लत लग गई थी। लोग कहते हैं कि अपने नशे की वजह से हुमायूं शेरशाह सूरी से भी हार गया था। सच्चाई नंबर तीन, मुगलों में औरंगजेब सबसे क्रूर शासक रहा। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने ही तीन सगे भाइयों की हत्या कर दी थी और राजा बन बैठा था। उसने अपने पिता को भी कई वर्षों तक कैद में रखा था। उसके द्वारा अपने स्वयं के परिवार पर बहाये गए इस दर्दनाक जुल्म के कारण ही औरंगजेब को मुगल काल का सबसे क्रूर शासक भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, उसने अपने शासन काल में संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सच्चाई नंबर चार, अनारकली सच नहीं काल्पनिक थी। ये सच शायद ही किसी को पता हो कि जहांगीर कभी किसी कनीज अनारकली के प्रेम में नहीं पड़ा था। यह केवल मुगल साम्राज्य की छवि निर्माण के लिए गढ़ी गई कहानियां मात्र थी, यानी असल में कोई अनारकली थी ही नहीं। सच्चाई नंबर पाँच, जहांगीर ने करवाई थी अकबर की हत्या। आंतरिक कलह के चलते जहांगीर ने अपने बाप अकबर को जहर देकर मरवा दिया था। उसने केवल सत्ता के लालच में आकर अपने पिता को मारने की साजिश रची थी। ये सच भी शायद ही आपको पता होगा। सच्चाई नंबर छह, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत। अकबर को बिस लेक्सिया नामक बीमारी थी और इसी वजह से वह जीवन भर अनपढ़ रहा। आगे चलकर धीरे धीरे मौखिक ज्ञान के जरिए अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की और उसके बाद मुस्लिम नहीं रहा। मुगल काल में मुगलों ने बरसों तक भारत पर राज किया और कभी सोने की चिड़िया कही जाने वाले भारत में खूब लूट खसोट मचाई थी। मुगल काल में राजा रहे अकबर को महान योद्धा के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको यह वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।